ये दिख रहे हैं सामने, ये गोधुले चौराहा है, देख सकते हैं कलर में ये भी किया गया, काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा है। अभी देखो किनारे किनारे यहाँ पे भी कुछ काम भी बाकी है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, की नए वीडियो में फिर स्वागत करता है आपका AMT यूट्यूबर। आज मैं गोधुले दशा से मार्ग दिखाने वाला हूँ कि गोधुले दशा से मार्ग तक कहाँ तक काम पहुँचा हुआ है। देखिए लॉज सामने देख सकते हैं, इधर श्रीमती कमला देवी धर्मशाला। और चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए पुलिस बूथ बनाया गया है ये सामने, देख सकते हैं इधर। और यहीं पे देखिए बुलाट गेट लगाया गया है। ये देखिए बुलाट गेट लगाया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं इधर। देखिए इस तरह का काम बाकी हुआ है, देख सकते हैं इधर का। अभी अभी यहाँ पे पाथवे लगाना बाकी, पत्थर उतर सामने देखे रखे हुए हैं। अब चलिए उस तरफ दिखाते हैं कि वहाँ तो उस तरफ काम कहाँ पहुँचा है। देख सकते हैं इस तरफ अभी काम बाकी है, यहाँ पे देख कुर्सियाँ भी लगाना बाकी है, बाबा लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब चलिए आगे आपको आगे चल के दिखाते हैं गोधुले दशा गोधुलिया रोड तक, वहाँ भी पत्थर लगाया जा रहा है, कहाँ तक काम पहुँचा है वहाँ का। और गाड़ियाँ लाइन से खड़ी है यहाँ पे, ये देखिए सामने देख सकते हैं आप। देखिए वहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर का साइन बोर्ड, आगे रास्ता बताने के लिए। अब आगे सामने देख रहे हैं बृहस्पति भगवान मंदिर है। अब चलिए चलते हैं आगे की तरफ, आपको बताते हैं कहाँ तक काम पहुँचा है। देखिए यही पत्थर लगाए जा रहे हैं, देख रहे हैं स्टोन वाले सामने, मैं दूर दिखा रहा हूँ पास से आपको। पत्थर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हैं। तो देखिए बृहस्पति भगवान मंदिर सामने देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है ये। तो चलिए चलते हैं, आपको खिचड़िया बाबा भी दिखाते हैं मंदिर। वीडियो तो लास्ट तक बनाइए, वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो आगे किसे अभी करते जाइएगा। ये देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया मछली जो है, प्रसाद हो रहा है, देखते हैं खिचड़िया बाबा मंदिर है ये सामने, देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देख रहे हैं यही है गौरव पथ जो बनाया गया, काफ़ी खूबसूरत ये है। अब देख सकते हैं ये है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का सिंह द्वार है ये, इसके अंदर विश्वनाथ गली निकल जाएंगे आप। सुबह का टाइमिंग अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको डोसा इडली की दुकानें मिल जाएंगी, काफ़ी लोग ताव से खाते हैं यहाँ पे। तो यहीं पर देखेंगे दुकानें के शटर भी एक कलर में किया गया है। और सभी दीवारों को भी एक कलर में किया गया है, जो कि आप समझ सकते हैं कि इसको पिंक काइडो नाम दिया गया है। देख रहे दुकानें भी खुल गई यहाँ पे, अनलॉक हो चुका है यहाँ पे बनारसी। बस यही लोगों से अनुरोध करूँ कि मास्क लगा के चले और 2 गज की दूरी बनाए रखें। देखते हैं सामने कूड़ा उठाया जा रहा है, आप देख सकते होंगे। मास्क लगा लीजिए, मास्क लगा ला, मास्क गली में देखो हमारा पंजा रखा है। देख रहे प्री मार्केट यहाँ अंदर से खुल रही है, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कितनी गंदगी की गई है। ये देखिए मैं गंदगी दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ही गंदगी करेंगे तो सरकार इतना पैसा लगा रही है उसके लिए पूरा तो वेस्ट हो जाएगा। लोगों को सोचना चाहिए भाई, इतने पैसा खर्चा हो रहा है तो कितने गंदगी नहीं करना चाहिए। देखिए संतुष्टि साड़ी है सामने, देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से बनाया गया है इसको। अब आगे काम चल रहा है मल्टी लेवल पार्किंग के पास, आगे चल के दिखाता हूँ आपको। ये बनाया गया है गोधुले दशा मार्ग, करीब 10 करोड़ की लागत से बनाया गया है इसको।
देख रहे हैं पूरी दीवारों के कलर किया, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। एक मालवी मार्केट बनाया गया मदागिन पे, वो भी एक कलर में सभी दुकानों को किया गया है, और यहाँ दीवारों के कलर में किया गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब चलिए चलते हैं थोड़ा चौराहे की तरफ, चौराहे को भी नज़ारा दिखाते हैं आपको। लग रहा है आराम से बनारसी ठाट के अंदाज में बैठे हुए लोग, जो कुर्सी बनाए गए यहाँ पे, हमें दे सकते हैं इधर। देखिए यहाँ पे अंडर वायरिंग भी कर दिया गया पूरा, देखिए तारों को अंडरग्राउंड। और देखिए यहाँ पे पूरे पाथ वाला पत्थर लगाए गए हैं यहाँ पे। अभी आगे भी पत्थर रखा गया, अभी चल के दिखाता हूँ आपको मैं। अभी देखो किनारे किनारे यहाँ पे भी कुछ काम भी बाकी है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये देख रहे हैं सामने एक गोदले चौराहा है, देख सकते हैं कलर में ये भी किया गया, काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। और सामने देखिए मास्क अभी नहीं लगाए हैं लोग बैठे हैं, तो उधर बैठे उधर देखिए सामने मास्क नहीं लगाए लोग बैठे हैं, इसी तरह बैठे हुए हैं। ये देखिए जैसे भी जा रही है, देख रहे हैं ये पत्थर लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, ये काम काफ़ी बचा हुआ है यहाँ का। तो चलिए चौराहे की तरफ आ गए हैं हम। देखिए यहाँ पे भी बुलाट गेट लगाया गया है, अभी चालू नहीं हुआ, देख सकते हैं इधर। देख रहे हैं चौराहा है यहाँ पे गोदलिया का, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। देखिए यहाँ पे ठंडे की दुकानें भी खुली गई हैं। दूर से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ से देखिए एक अलग ही नज़ारा लग रहा है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे भी कहा वीडियो में लाता रहता हूँ मुझे चैनल पे।